दोस्तों बात करने वाले सुन लो एनर्जी स्टॉक के बारे में। देखो दोस्तों स्टॉक के अंदर अभी के टाइम कोई भी मोमेंटम देखने को नहीं मिल रहा, उल्टा यहाँ पे दोस्तों प्रेशर और दिखा रहा है। देखिए भाई करना क्या है, कितना वेट करवाएगा, दूसरी चीज रिजल्ट कब आएंगे, क्योंकि देखो फिर से एएसएम में जब से स्टॉक गया है उसके बाद जो मोमेंटम था ना दोस्तों वो फिर से खो गया, मतलब यहाँ पे कंसोलिडेट फिर से करना स्टार्ट कर दिया है। तो क्या आने वाले फिर से दोस्तों 3 महीने कंसोलिडेट ही करेगा या 3 महीने से पहले यहाँ पे हमें रैली दिखा देगा। देखो दोस्तों एएसएम का सही सबसे ज्यादा सही इफेक्ट ये होता है कि एएसएम के अंदर से अगर कोई भी स्टॉक एएसएम में जाता है तो फिर जो बड़े प्लेयर्स है ना वो उसमें काम करना बंद कर देते हैं, तो उसकी वजह से यहाँ पे हमें क्या दिखता है वो एक जो लेवल है ना उसमें दोस्तों वो फंस जाता है। तो वही चीज हमें सोलन में पिछले 4-5 महीने से कंटिन्यू देखने को मिल रही है, ये स्टॉक एक लेवल में फंसा हुआ है। अब यहाँ पे जो मार्केट में बिगिनर्स है वो तो यहाँ पे यही सोच रहा है कि भाई स्टॉक खराब है, बट जो लोग लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से रखते हैं, जिनको पता है कंपनी करती क्या है फाइनेंस के साथ, उनको तो पता है कि आज नहीं तो कल ऊपर जाएगा। एंड अब की बार जो कुछ जितना वेट करवाएगा उतना ही ऊपर जाएगा, एएसएम से जैसे निकलेगा थोड़ा कंसोलिडेट करके उसके बाद डायरेक्ट यहाँ से हमें 100 की तरफ जाता हुआ देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर हम अभी के टाइम देखो रिजल्ट के बाद हमारी इच्छा है कि ये ब्रेकआउट दे, ब्रेकआउट देखिए अराउंड ये 60 का लेवल क्रॉस कर ले, क्योंकि रिजल्ट डेफिनेटली अच्छे दिखेंगे। जिस प्रकार हमने जेपी पावर के रिजल्ट देखे भाई, जेपी पावर का जो मार्जिन था वो 48% का जा चुका है। तो इस प्रकार अगर कंपनी का मार्केट भी भाई 40 एंड 45 के आसपास अगर जाता है तो कंपनी बड़ा प्रॉफिट जनरेट करके दे सकती है, क्योंकि कर्ज लगातार कम कर रही है। ऐसे में यहाँ पे दोस्तों हमें जो इंटरेस्ट है वो भी बचता हुआ देखने को मिलेगा एंड कंपनी का जो यहाँ पे नेट प्रॉफिट है वो बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा, तो ये हमारे लिए पॉजिटिव रह सकता है। एंड दोस्तों कभी कभी होता है क्या मार्केट में कोई भी स्टॉक को लेके देख लेना, बड़े प्लेयर्स का जो डाटा है वो यही कहता है कि 1-1.5 साल तक यहाँ पे स्टॉक पकाते हैं एंड उसके बाद जो रिटर्न बनता है ना भाई वो देखने लायक होता है। तो अभी के टाइम आप मेरी बात नहीं मानोगे चाहे मानोगे वो अलग चीज है, बट यहाँ पे देखिए रियल चीज यही है कि स्टॉक तो अच्छा है बट तेजी नहीं बन रही, ये अलग चीज है। एंड तेजी यहाँ पे नहीं बन रही उसका कारण आपको पता क्या है, एनएससी बीएससी को लगातार कंटिन्यू दोस्तों तीसरी बार ये देखने को मिल रहा है जबकि स्टॉक को एएसएम में डाला गया, जबकि निकलने का टाइम आता है फिर से एक दिन निकाल के एक दिन एएसएम में डाल दिया जाता है। अब यहाँ पे मान के चलो अगर वैल्यू अच्छी होगी स्टॉक अच्छा होगा तो क्या रिटेल को इसमें बहुत ज्यादा क्वांटिटी दिखाई जाएगी रखा जाएगा? बिल्कुल नहीं। रिटेल को कुछ हद तक यहाँ पे हर क्वार्टर में 5-7% यहाँ पे बार किया जाता है, और आने वाले 1 साल में आप देखेंगे तो रिटेल की हिस्सेदारी यहाँ पे आपको 20-22% से ज्यादा देखने को नहीं मिलेगी। क्योंकि एक अच्छे स्टॉक में सबसे ज्यादा एक तो प्रमोटर्स एफआईडीआई जो बड़े प्लेयर्स है इनकी होल्डिंग रहती है, एंड अभी के टाइम सुरोल में रिटेल की ज्यादा है इसलिए थोड़ा सा कंसोलिडेट भी कर रहा है। वॉल्यूम फिर से डाउन हो चुकी है, नॉर्मल वॉल्यूम पहले बढ़ चुकी थी क्योंकि ट्रेडिंग चालू था, इक्विटी ट्रेडिंग को भी यहाँ पे ऑफ कर दिया एंड कंटिन्यू फिर से कंसोलिडेट वाले पैटर्न बन रहे हैं। एंड यहाँ से एमओ में कुछ बड़ी चीज नहीं है एंड यहाँ से रिजल्ट डेट अभी तक आई नहीं, रिजल्ट हमें यहाँ पे दोस्तों मई में देखने को मिलेगा जो की ऑलराउंड यहाँ पे 20 मई के आसपास देखने को मिल सकता है। तो ये बड़ी चीजें रहेगी अभी के टाइम का चार्ट में भी आप देखोगे तो एक फ्लैट कारोबार देगा। मॉर्निंग के अंदर भले ही यहाँ पे पॉजिटिव था, शेयर खरीदे गए बट ओवरऑल यहाँ पे स्टॉक में जो क्लोजिंग है वो यहाँ पे कल की जो प्रीवियस क्लोज था उसी के आसपास हमें ये देखने को मिल रहा है। तो अभी के टाइम देखो एक ही क्वेश्चन है कि भाई कितना वेट, क्या 2 महीना, 3 महीना या 4 महीना, कितना वेट करें? अब यहाँ पे देखो वेट का अगर मैं बता दूं, एक तो रिजल्ट इम्पोर्टेंट रहेगा, रिजल्ट के बाद इलेक्शन। अब यहाँ पे देखो रिटेल, देखो जब बड़ा प्लेस एक बंदा खरीदता है ठीक है ना, एक बंदा यहाँ पे मान के चलो 5-10 करोड़ शेयर खरीदता है उसका इफेक्ट पड़ता है, बट अगर रिटेल पूरी तरह से आते हैं यहाँ पे, जैसा कि मान के चलो 5,000 शेयर मैंने खरीदे, 5,000 पीस किसी ने खरीदे, सिर्फ करोड़ों क्वांटिटी आती है बाई में यहाँ पे धीरे धीरे छोटी छोटी क्वांटिटी में, तो वो क्या होता है वो आता है कि रिटेल की तरफ से भाई लोगों ने बाई किया है ठीक है ना। अगर ऐसे एक बंदा बाई करेगा तो आपको पता वो फंस सकता है, क्योंकि अभी के टाइम एनएससीबीएसई की नजर डाटा ऐसे ही पकड़ में पकड़ आ जाएगा कि भाई कौन खरीद रहा है, तो वो थोड़ा सा क्वेश्चन खड़ा करता है, इसलिए बड़ा प्लेयर काम नहीं करेगा, ओनली फॉर अपडेट्स काम करेगी। अपडेट अगर पॉजिटिव आती है तो सर्किट लगा देगा। अब रिटेल का आपको पता है ऐसा नहीं कंटिन्यू बाइंग चलती है, रिटेल आज बाई करेगा कल सेल कर देगा, एंड अभी के टाइम टीपर्स टू स्टेज उसमें देखने को मिल रहा है। अगर आज खरीदते हो तो आप कल नहीं परसों देखोगे, मतलब स्टॉक को आपको 2 दिन अपने पोर्टफोलियो में रखना पड़ेगा ठीक है ना, ये व्यू अभी के टाइम देखने को मिल रहा है। तो आप अभी के टाइम कितना वेट करना पड़ेगा, देखो आज मार्केट में तेजी थी इसके बावजूद भी सुजलोन आपको 1% की तेजी में भी देखने को नहीं मिला, ओवरऑल यहाँ पे प्रेशर लोगों से कई, देखो अभी के टाइम जो हमें जो वॉल्यूम दिखी है 1 करोड़ 78 लाख की, इसमें रिटेल की क्वांटिटी अगर रीट देखो बड़ा प्लेट बेचेगा ना भाई तो वो इतनी छोटी नहीं बेचेगा, वो बल्क में बेचेगा यहाँ पे। एंड देखो उल्टा हमने देखा कि क्वार्टर 4 एंड क्वार्टर 3 के बीच की जो सेल होल्डिंग पैटर्न थे उसमें हमने साफ साफ देखा, क्योंकि उसमें भी एएसएम के स्टेज 4 में ही दिखा था, हाल ही के अंदर निकला फिर से डाल दिया गया। तो अगर इस बीच हम देखें तो भाई कम से कम 6% तक यहाँ पे रिटेलर्स से माल छीना गया है, तो ओवरऑल अभी के टाइम पे वही चीजें लेकिन देखेंगे आने वाले क्वार्टर 1 में आप देखेंगे तो रिटेल्स होल्डिंग फिर से कम देखेगी, क्योंकि यहाँ पे देखो वैल्यू स्टॉक की लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है।
शॉर्ट टर्म में भले आज दोस्तों पैनिक कर रहा, बट देखो जब भागेगा ना दोस्तों तो एक अलग ही रिटर्न यहाँ पे आपको ये देखा जाएगा। डाटा भी कहना देखा जाए दोस्तों फुल लोन में देखो फ्लैट कारोबार था अराउंड 0.5% के आसपास की जो नेगेटिव क्लोज है वो हमें दिखा। एंड यहाँ पे 51 का आरएसआई चल रहा है। देखो वॉल्यूम जो यहाँ से बढ़ने वाली थी वॉल्यूम फिर से हमें डाउन होते हुए देखने को मिल चुकी है, तो ये थोड़ा नेगेटिव इफेक्ट है। एंड जो सपोर्ट है उसके ऊपर ट्रेड कर रहे हैं जो कि यहाँ पर अराउंड 41 का दिख रहा है। चांस है कि दोस्तों अगेन ये 40 के आसपास आई 39 भी देखने को मिल सकता है, 35 भी दिख सकता है। अगर रिजल्ट वोलेटिलिटी वाला रहा तो फिर यहाँ पे 35 दिखेगा, वरना यहाँ से चांस है कि धीरे धीरे थोड़ा सस्टेंस करके धीरे धीरे यहाँ से हमें ऊपर ही देखने को मिले। तो ये अभी के टाइम एंड यहाँ से आने वाले 3 महीने ऐसे में फिर से रहेगा। एंड चांस अगर देखो रिटेल अगर बाइंग करता है पॉजिटिव चीजें रहती है तो रिटेल के बलबूते भी भाग सकता है, बट चांस इसका कम ही रहता है। तो रोल हम कर सकते हैं अगर आने वाले 3 महीने और वेट करवाता है तो टारगेट फिर यहाँ पे स्टॉक के बढ़ जाएंगे, अंडर रेट के दिखेंगे, क्योंकि इस क्वार्टर का पी अगले क्वार्टर वन का पी कम से कम स्टॉक के जो पी है उसको यहाँ पे इंडस्ट्री पी से भी नीचे ले आएगा, तो ये अंडर वैल्यूड स्टॉक हो जाएगा। तो ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी रहेगी हमारे लिए। एंड अभी के टाइम थोड़ा वेट कर लीजिए, प्रेशर दिखेगा बट बड़े रिटर्न के लिए हमें थोड़ा सा प्रेशर हैंडल करना पड़ेगा।